क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी की ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट 2019 जारी कर दी गई है। इसमें बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों का 80% उत्सर्जन G20 देश कर रहे हैं। रिपोर्ट में भारत सुधारात्मक कदमों की तारीफ भारत की गई है और इसमें कहा गया है कि अकेले भारत ने ही ठोस और दीर्घकालीन प्रयास किए हैं जिसने धरती के बढ़ते तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास सीमित रखा है। भारत की ओर से वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों को सराहा गया है। ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत समेत G20 देश में इसका खतरा काफ़ी घातक होता जा रहा है। G20 देशों में 1998 से 2017 के बीच हर साल औसतन 12,000 लोगों की मौत जलवायु परिवर्तन से जुड़े कारणों से हुई है और औसतन $142 बिलियन का आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले टॉप 5 देशों में भारत शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए देश जहां कार्बन उत्सर्जन को बढ़ा रहे हैं वहीं अब भी अक्षय ऊर्जा का मात्र 25% हिस्सा ही उपयोग में लाया जा रहा है।